पण त्यांचे चार एलसीबीची जे लोकल क्राईम ब्रांचची टीम होती चार अधिकारी आपल्याला दिले। आपली टीम तिथून पुढे एक 40 किलोमीटरवर गेली आणि ते दोन्ही जे आरोपी होते ते तिकडून अटक करण्यात तिकडे आपल्याला मिळाले आणि ते ताब्यात घेण्यात आले होते। आज सकाळी त्यांना फ्लाईटनी राजकोटनी इथे आणण्यात आलेला आहे। त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे दोन्ही जणांना आणि त्यांना कोर्टामध्ये मान्य कोर्टामध्ये पेश करण्यात आला आणि मान्य कोर्टाने 25 एप्रिल 2024 पर्यंत त्यांची पीसीआर दिलेली आहे। आता हिंदी मध्ये बोलतो मी। जैसा कि आपको मालूम है 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है, उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से, जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के PI भरत गोणे इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही PI AEC अरुण थोरात इनकी दो टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखतराणा के आसपास पहुंची, छोटा टाउन है ये वहां पर। लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के SP साहब भुज के SP साहब से कॉन्टेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पर इमीडिएटली PI गोणे की टीम और LCB के लोग नकटराना से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानु मढ़ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया, सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका PCR हमको दिया है। इफ रिक्वायर्ड आई कैन ब्रीफ इन इंग्लिश ऑल्सो। नहीं, पहले प्रश्न लेने से पहले मैं एक बार बेसिक ब्रीफिंग कर देता हूं ताकि सब लोगों के लिए जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो उनको मिल जाए। As you are aware that on 14th April 2024 in the morning at about 4:50 AM two motorcycle borne accused have fired towards the residence of Bollywood star Salman Khan. Total 5 rounds were fired by the accused who was sitting behind on the motorcycle and later on during the day Anmol Bishnoi has also written a Facebook account regarding this incident and his tone was threatening in that and he has basically written it relating to the particular incident, this particular incident. Later on Honorable CP sir has transferred the case to the crime branch and the investigation was handed over to the unit 9 and yesterday we have added sections of the conspiracy to the sections because we realized that it seemed to be a prima facie is a bigger conspiracy. 12 teams of crime branch were constituted and they were given different tasks on the basis of human intelligence and technical intelligence. We came to know that the accused may be somewhere in the Bhuj district in the Gujarat. Immediately two teams, one headed by PI Bharat Gone and subsequently another team headed by PI Arun Thorat of AEC, these two teams were sent to
भुज डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रीचिंग द अ टाउन नेम्ड नक्षत्रणा इन नक्षत्रणा विच इज 58 किलोमीटर्स फ्रॉम द भुज डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पीआई गोणेश टीम रीच्ड देयर गिवन द बैकग्राउंड और द अप्रिहेंशंस दैट द बिकॉज दे हैव फायर्ड अपॉन हेयर इन द मुंबई दैट द accused would probably be armed. We immediately contacted the unit in charge of Bhuj district and we requested for from him support because they are better informed about the terrain. So immediately the SP Bhuj has also provided us 4 LCB officers and those officers along with PI Bharat Gone, we reached the spot and we were able to nab the 2 accused from there. After that they have been brought today morning to the Mumbai and they were subsequently arrested and produced in the court. Honorable court has given PCR up to 25th of April 2024. These are the basic facts about the incident, FIR and... Sir, did the accused people get support from local gangs to do the Where did they get the support? Because they have been arrested only recently and they are still to be subjected to interrogation and inquiry. We have only the primary information, the facts which you are asking. As we investigate the case, all those facts will be revealed during the investigation. But primarily they have done recce of the house at least 3 times. This is the primary information which is subject to correction or subject to it may be corrected on the basis of the further investigation into the issue. In this particular incident, Anmol Bishnoi on the 14th April itself has written a Facebook account in which his language is threatening and he is basically commenting on the issue, this firing incident, he is commenting on the issue and his language is threatening. So Anmol Bishnoi's role prima facie is visible. Regarding every other accused, we will investigate and we will investigate the issue and all possible angles will be investigated in the due course. और विशाल उर्फ थानू का नाम कैसे है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार विशाल उर्फ थानू का नाम इसमें बता रही थी बकायदा वहाँ पे डोजियर दिया गया दिल्ली रिपोर्टर से इसमें क्या यहाँ पे सर दोनों दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस में क्या इस पूरे घटना को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है थोड़ा समझ नहीं देर इज नेवर ए इश्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन वी आर ऑल सिस्टर एजेंसीज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कंट्री पार्ट ऑफ द वेरियस स्टेट हिंदी में बोलता हूँ तो ऐसा किसी तरह का कोई किसी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे हिसाब से जो 2 एक्यूज थे उनके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिल रही थी बाद में जैसा कि मैंने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर वो इन्फॉर्मेशन और थोड़ी प्रेसाइज हो गई और जो 2 आरोपी एक्यूज हमने उसमें पकड़े हैं एक विक्की गुप्ता है 24 साल का दूसरा सागर कुमार पाल है 23 साल का ये दोनों लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं एज ऑफ नाउ ये दोनों लोगों को हमने पकड़ा है एक ही आदमी पूछिए और मुझे लैंग्वेज बता दीजिए कि तीनों में से कौन सी है आप लोग का ओके मी ऑलरेडी म्हटलेला आहे की जेवढे सर्व पॉसिबल अँगल्स आहे आम्ही सर्व पॉसिबल अँगल्सनी इन्व्हेस्टिगेशन करणार आणि जसा जसा पुढे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये निष्पन्न होईल तसा तसा पुढे कारवाई करण्यात येईल एज ऑफ नाव आम्ही 2 आरोपींना अटक केलेले आहात ते नाव आपल्याला मी सांगितलेलं आहे विक्की गुप्ता आणि सागर कुमार पाल दोन्ही राहणारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार जैसा मैंने कि आपको बताया कि उन्होंने 3 बार हमारे पास जो अभी इन्फॉर्मेशन है 3 बार उन्होंने रह क्या है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग निष्पन्न करना है
आरोपींवर पूर्वीचे गुन्हे आहेत की नाही त्याबद्दल आम्ही इन्क्वायरी करतो आहे. सध्या ते फक्त सकाळीच आपल्याकडे 2 तासापूर्वीच आले. आपली टीम त्या विषयावर इन्क्वायरी करत आहे. ती यांचे बताया है कि अभी हमको पीसीआर मिला है. आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे. इस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें खुल के आए हैं. मैंने आपको बताया कि जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं सारे पॉसिबल एंगल्स से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं. अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन गुने में लगाए गए हैं. ये तो आरोपी अलग थे तो क्या ये आरोपी निश्चिंत हो गए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है. हर कोई सब सब प्रोफेशनल एजेंसीज है. सब अपने अपने हिसाब से अच्छे से व्यवस्थित प्रोफेशनली करती है. हमको इनके खिलाफ पुरावा था, हमको इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास सटीक थी, तो इसलिए हमने अरेस्ट किया. अब आगे इंटरोगेशन. मैं सिर्फ अपने केस से रिलेटेड मुद्दों पे कमेंट कर सकता हूँ. बाकी पर आप बाकी विषय पर नहीं सर. काइंडली डोंट आस्क क्वेश्चंस विच आर नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट. आपको हमारे इन्वेस्टिगेशन से बारे में कुछ जो मुद्दे मेरे गुने से संबंधित है मैं उस पर आपको उत्तर दे सकता हूँ. आप कृपया एक एक करके पूछिए. जो मैं बता सकता हूँ मुझे मालूम है मैं बताता हूँ. बाकी जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आएगा वो आपसे हम बाद में बात करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमको लीड मिली. उसके आधार पर हमने काम किया. I'll summarize it for you. We have arrested the accused today only, both the accused. He has been given custody till 25th April. We will investigate all possible angles and whatever comes to the front, whatever we are able to know during the investigation, maybe at a subsequent stage we will get back to you. मैंने आपके ज्यादातर क्वेश्चंस का एक जनरल आंसर मैं आपको देता हूं कि जहां पर जो भी आप लोग बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ जहां जहां पे भी गुने हैं संबंधित स्टेट पुलिस की टीम्स या बाकी जो भी एजेंसी टीम्स हैं हम उनके सबके टच में हैं. सबसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन सारे पॉसिबल एंगल्स पे कर रहे हैं. जो भी सामने आएगा सब्सिक्वेंट स्टेज पे हम आपसे दोबारा बात करेंगे. दिस इज नॉट करेक्ट टू से. ऑलरेडी द कंसर्न्ड ब्रांच ऑफ द मुंबई पुलिस हैज गिवन इन फुल सिक्योरिटी. देयर वर लॉट ऑफ पीपल बट
स्टिल इफ यू वांट टू हैव फर्दर डिटेल्स मे बी यू कैन कॉन्टेक्ट द कंसर्न ऑफिसर। नेटिव से इन्वेस्टिगेशन नहीं निकली, नेटिव क्या जसा मी आपल्याला सांगितलेलं आहे, आरोपी आम्ही 2 तास पूर्वीच पकडलेले आहेत, आताच त्यांची पीसीआर मिळालेली आहे। आपल्याला आपण थोडा वेळ द्यावे जेणेकरून सगळे अँगल्सवर तपास करणं शक्य होईल आणि आणखी जे काही आपले प्रश्न असतील और इफ यू हॅव एनी फर्दर क्वेश्चन मे बी आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर इन्व्हेस्टिगेशन इन टू द ऑल पॉसिबल अँगल्स वी विल कम बॅक टू यू। थँक्यू। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।